वेलकम टू बिजनेस टाइकून। दोस्तों रेडी हैं आप थ्री स्टॉक जानने के लिए कल के लिए, कल यानी कि बुधवार के लिए तीन स्टॉक और आप उसमें बेहतरीन पैसा कमाने वाले। चलिए आज हमने आप मंगलवार है आज आपने काम किया होगा, देखते हैं कितना पैसा कमाया हमारे तीन स्टॉक पर। तो पहला स्टॉक दिया था हमने रिलायंस, दूसरा दिया था एक्सिस बैंक, तीसरा दिया था जस्ट डायल। ओके, तो तीनों स्टॉक के बारे में बताएंगे, उसका पास्ट परफॉर्मेंस और साथ ही साथ कल के लिए तीन स्टार स्टॉक आपके सामने बताए जाएंगे। तो रिलायंस का सपोर्ट लेवल हमने आपको दिया था 1431। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं कि आज सपोर्ट लेवल टच हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों रिलायंस का सपोर्ट लेवल टच नहीं हुआ, 1431 जहाँ आता है, लेकिन ये गैप अप ओपन हुआ और इसने लगातार बढ़त दिखाई रिलायंस ने, तो इसमें हमारा सपोर्ट लेवल टच नहीं हुआ, तो इसमें नो ट्रेड और नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, चलिए कल के लिए पहला स्टॉक आप नोट कर लो। तो कल का पहला स्टॉक है HDFC बैंक। ओके, सपोर्ट लेवल आप नोट कर लो, ठीक है, और सपोर्ट लेवल पे एक रुपये ऊपर नीचे ऊपर बाय करना है, एक रुपये नीचे सेल करना है। और समझ में नहीं आए तो हाउ टू ट्रेड सपोर्ट लेवल वाला वीडियो देख लेना। दोस्तों दिल्ली में आपकी सरकार बन चुकी है और मार्केट आज बहुत खुश था, ऊपर गया और उसने प्लस में ही अपना क्लोजिंग दी। ओके, तो सपोर्ट लेवल रहेगा 1243.50 रुपये। 1243.50 आगे देखते हैं होता क्या है। 1243.50, ठीक है, नोट कर लो आप, इस पे आपको काम करना है और सपोर्ट लेवल पे काम करना नहीं आता तो हाउ टू ट्रेड सपोर्ट लेवल वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक देख लेते हैं। दूसरा स्टॉक हमने आपको दिया था एक्सिस बैंक, सपोर्ट लेवल था 739.50। ओके, चलिए देखते हैं सपोर्ट लेवल टच हुआ या नहीं हुआ। तो ये पहली कैंडल है, इसने पहले ही स्टार्टिंग में बढ़ना स्टार्ट कर दिया और 739.50 दोस्तों नहीं आया। ओके, तो इसमें भी नो प्रॉफिट नो लॉस। आज मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ गया और 15 मिनट की कैंडल में ही देखिए इसने पूरा डे हाई बना चुका है, यानी कि स्टार्टिंग में ही इसने एकदम से गैप अप ओपनिंग हुई और सारे बैंकिंग सेक्टर में खुशी का माहौल और ये सब बढ़ गए, तो इसमें हमारा ट्रेड नहीं ले पाए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए दूसरा स्टॉक आप नोट कर लो कल के लिए, कल आप ट्रेड जरूर करना। सेकंड स्टॉक रहेगा जील। दोस्तों घबराना नहीं है, बिल्कुल बिंदास होके काम करना है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट जब भी नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, तो मार्केट का स्वभाव है ऊपर नीचे होना, तो वॉलेटिलिटी को अपना शत्रु मत समझिए, घबराइए मत। अगर कोई स्टॉक्स आपने ट्रेड लिया और ऊपर भी जाता है तो वो नीचे भी आएगा, बस ट्रेंड को समझने की दिक्कत है, बाकी तो पैसा बनता है। तो अगर आप ठंडे दिमाग से काम करेंगे ना, और कई लोगों की आदत होती है कि वो प्रॉफिट कर लेते हैं तो मन नहीं मानता कि और कमाएँ, तो इस चीज़ को अवॉइड करिए। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप बिंदास होके दूसरा ट्रेड मत लीजिए, सोच समझकर काम करिए, और दूसरा ट्रेड लेने पर आपको लॉस भी हो सकता है, तो जितना मिला उतना बहुत है, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे या कुछ देर बाद देखना। तुरंत ट्रेड लेना यानी कि आप मार्केट से बदला ले रहे हैं या मार्केट में पॉइसेस होके और ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तो इससे आप कमाएंगे नहीं, आप लॉस कर लेंगे। कई लोगों के साथ होता है, एक बंदे के साथ हुआ जिसने उसने ट्रेड लिया, पहले उसने 800 रुपये कमा लिए एक ट्रेड से, ठीक है, उसका मन नहीं माना, उसने दूसरा ट्रेड लिया 800 के 1800 हो गए, फिर मन नहीं माना तो 1800 के 6000 रुपये कमाने लगा। उसने देखा कि उसका प्रॉफिट 6000 चल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि 6000 के 10000 हो सकते हैं, और दोस्तों वापस से वो 300 रुपये पे आ गया, ठीक है। तो 300 रुपये पर उसने फटाफट से अपना निकला और उसका इतना तो ब्रोकरेज लग गया होगा, यानी कि उसको टोटल लॉस। तो इस तरीके से आप काम मत कीजिए, मार्केट
में समय और लालच दोनों की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, आप इसको समझिए। चलिए, जील का सपोर्ट लेवल आप नोट कर लो और ये आपको जरूर पैसा देगा। ओके, जील का सपोर्ट लेवल रहेगा 230 रुपये, 230। ओके, नोट कर लो आप। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं, जस्ट डायल 502। तो देखिए आप, 502 यहाँ पर है और ये देखिए हमारा सबसे पहले मार्केट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर हमारा ट्रेड आया। तो अगर आपने इसके 1 रुपये ऊपर बाय कर लिया होगा तो 503 पर आपने बाय किया और 5010 रुपये इसका हाई है। ओके, तो आपको आराम से 5 पॉइंट तो बनते हैं अगर आपने ऑर्डर लगा के रखा होगा। ठीक है, तो इसमें हमारा 5000 रुपये का प्रॉफिट बनता है। तो एक ही ट्रेड बना जस्ट डायल, उसमें हमने 5 पॉइंट जरूर लिए और 5000 का प्रॉफिट जस्ट डायल में। कोई दिक्कत नहीं, कम से कम प्रॉफिट हुआ, लॉस तो नहीं हुआ। इसीलिए ना, ट्रेड लेना भी एक आर्ट है, ज़रूरी नहीं कि आप ट्रेड लो, कोई आदत नहीं है, कोई कहीं लिखा नहीं है कि ट्रेड लेना ज़रूरी है। जब आपको लगे कि हाँ मौका बनता है तभी आप चौका छक्का लगाइए, नहीं तो आप आउट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक कल के लिए आप नोट कर लीजिए, जिसमें आपको बेहतरी प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा DLF, जिसका सपोर्ट लेवल 233 रहेगा। ओके, 233 रुपये, जो जिसकी क्लोजिंग है वही इसका सपोर्ट लेवल है। 233 रुपये इसका सपोर्ट लेवल है और आपको इन तीनों स्टॉक पर कल ट्रेड करना है। हमने आपको स्टॉक छोटे वाले दिए, आप ट्रेड करके पैसा कमाइए, आराम से 3 से 5 पॉइंट तो आपको मिल जाएंगे और आप बेहतरीन पैसा बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके अगर ब्रोकर ज़्यादा पैसे लेता है या ज़्यादा लीवरेज नहीं देता है तो आप आस्था और अपस्टॉक्स दोनों में तो आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। और एक व्यक्ति कितने भी अकाउंट ओपन कर सकता है, डीमैट कोई लिमिट नहीं है। ओके, अगर आपका किसी में है तो आप आस्था और एक अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर लीजिए। हम दोनों की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपस्टॉक्स में ब्रोकरेज कम है और क्वालिटी अच्छी है उसकी, यानी कि उसका चार्ट्स वगैरह देखना अच्छा है। और आस्था में क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो लीवरेज ज़्यादा देता है। अगर आप शॉर्ट करते हैं बैंक निफ्टी या ऑप्शन या फ्यूचर या MCX किसी में भी ट्रेड करते हैं तो बहुत अच्छी लीवरेज आस्था देता है, उसके बराबर शायद ही कोई दे सेलिंग में। ओके, तो चलिए दोनों में आप अकाउंट ओपन कर लेना, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। कोई दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सअप कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलना। ओके, उसके भी लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। एक बात और, म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना धीरे धीरे SIP के माध्यम से, तो एक ऐप्स की लिंक हमने दी है डिस्क्रिप्शन में, ग्रो नाम से है, उसको ऐप्स डाउनलोड कर लेना, बेहतरीन ऐप्स है। वहाँ से आप उसमें म्यूचुअल फंड्स के तरह तरह की स्कीम्स आपके सामने दी जाएंगी, उसमें आप इन्वेस्ट करिए। हर महीने 1000, 500, 2000, 5000, 50000 जितने आपको लगाना है लगाइए और अपना जर्नी स्टार्ट करिए। हमारा मानना है कि इन्वेस्टमेंट आज और अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।